दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज नौवां दिन है। हालांकि अब दिल्ली की सड़कों से कूड़ा हटना शुरू हो गया है। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी कूड़ा हटाने में जुटे हुए हैं, लेकिन कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 550 करोड़ के बजट का ऐलान किया था, लेकिन उससे भी कर्मचारियों की हड़ताल पर कोई असर नहीं पड़ा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, नौवां दिन है आज एमसीडी के कर्मचारियों की हड़ताल का। हड़ताल अभी भी जारी है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 550 करोड़ का बजट जारी किया था, लेकिन एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वापस काम पर नहीं लौटे हैं। दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी कूड़ा हटाने में जुटे हुए हैं। एमसीडी के सफाई कर्मियों की हड़ताल का आज नौवां दिन है। सीएम केजरीवाल ने जो फॉर्मूला सुझाया है उससे सहमत नहीं है कर्मचारी। वेतन मिलने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान उन्होंने किया। कई इलाकों में एमसीडी के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सीधे रुख करते हैं लक्ष्मी नगर का, जहां से मोहित ओम हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। मोहित, कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने फॉर्मूला जो सुझाया, जो बजट जारी किया, उससे भी संतुष्ट नहीं है एमसीडी के कर्मचारी, और अब क्या कह रहे हैं, आगे किस तरह से वो हड़ताल खत्म करेंगे? क्या जब तक वेतन नहीं मिलेगा तब तक इसी तरह से उनका प्रदर्शन चलता रहेगा? अनेक कल केजरीवाल ने जो है उन्होंने 550 करोड़ के फंड रिलीज करने की बात करी है, लेकिन यहाँ जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि इससे हमारी सिर्फ एक महीने की जो सैलरी आएगी, लेकिन जो पिछला बकाया है, जो हमारे भुगतान है, वो हमें नहीं मिलेंगे, जिसके चलते अभी भी यहाँ पे जो है हड़ताल का माहौल बना हुआ। आपको मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा, इस समय जो है काफी वर्कर्स जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो इस समय एक मार्च निकालने जा रहे हैं, और गीता कॉलोनी का जो एसडीएम ऑफिस है वहां पे वो पुतला दहन करेंगे। यहाँ पे काफी संख्या में जो है कर्मचारी हड़ताल पे अड़े हुए हैं। इनका कहना है कि हम लोग जो है रोज दिल्ली की सड़कों से करीबन 2.5 लाख टन जो है कूड़ा उठाते हैं, लेकिन आपको बताना चाहेंगे जो दिल्ली सरकार है उन्होंने भी अपने कर्मचारियों को लगाया है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो है रात में आते हैं और जितने भी डंपिंग प्वाइंट है, कूड़ा घर है बड़े, वहां से कूड़ा रिलीज कर रहे हैं, लेकिन जो 12 बजे का वक्त है इस दोपहर में, वो गली के और घरों में से जो कूड़ा निकल कर आएगा, उसके बाद फिर यही वो माहौल तैयार हो जाएगा। इसलिए कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हम एमसीडी के कर्मचारी दिल्ली की सड़कों पर दोबारा से नहीं लौटेंगे, नहीं काम करेंगे दिल्ली का। मुख्यमंत्री ने जो फॉर्मूला सुझाया है, जो बजट जारी किया है, उससे संतुष्ट नहीं है और हड़ताल अभी भी एमसीडी के कर्मचारियों की जारी है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।